स्वागत है आपके अपने चैनल आरसीसी में। दोस्तों आज जो सीखने वाले हैं वो आपका है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। क्लास नाइन्थ का सिविक्स का चैप्टर एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है। तो ये क्या है क्यों है ये सीखने वाले हैं इस वीडियो में, इसका काइंड क्या है सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी। इसको हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इज डेमोक्रेसी। अब इसमें डेमोक्रेसी मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीनिंग डेमोस एंड क्रेटिया, डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेटिया मीन्स द पावर और द रूल, यानी द पीपल पावर और द पीपल रूल। तो ये मीनिंग है डेमोक्रेसी का। अब जैसे एग्जांपल ले लें डेमोक्रेसी का, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये डेमोक्रेसी है, ये मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये दो तरह के डेमोक्रेसी हैं, टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिस इज ओल्डेस्ट एंड रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो आपने ये डेमोक्रेसी तो अच्छे से पूरा समझ। अब आता है कैरेक्टरिस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें सबसे पहले लिबर्टी, ये क्या है कि फ्रीडम शुड बी एवरीवेयर, एवरीवन शुड बी वर्क फ्रीली, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इज लिबर्टी। नेक्स्ट है इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ऑल शुड हैव वर्क फ्रीली, ऑल शुड हैव इक्वल राइट एंड बेनिफिट्स। तो ये आपका क्या है इक्वलिटी। अब आता है फ्रेटर्निटी, द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन द पीपल इन द सेम ग्रुप, तो ये फ्रेटर्निटी। अब आता है मेजोरिटी, मेजोरिटी यानी क्या होता है वेरी वोट्स, यानी जिसके पास ज़्यादा वोट हैं। जैसे दो पार्टी है, एक ने 50 वोट लाया इलेक्शन में और एक ने 40 वोट लाया, तो ज़्यादा किसका वोट गया है 50 वाले का, तो 50 वाले की गवर्नमेंट बनेगी, सरकार बनेगी। तो ज़्यादा वोट किसके पास है 50 वाले के पास, तो ये क्या है मेजोरिटी है। अब इसमें आता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप यानी क्या होता है, एक डिक्टेटर हु होल्ड कंप्लीट पावर इज डिक्टेटरशिप। इसमें आता है रिपब्लिक, कंट्री इन विच द हेड ऑफ द कंट्री आर इलेक्टेड बाय द पीपल इज रिपब्लिक। अब इसमें एक आता है, अब आता है इलेक्शन, इलेक्शन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल इज इलेक्शन। तो ये क्या है आपके पूरा डेमोक्रेसी है, आपने कैरेक्टरिस्ट ऑफ डेमोक्रेसी समझ लिया। अब इसमें जो आता है एक होता है मोनार्की, या इसको हम मोनोपोली कहते हैं। मोनार्की यानी क्या होता है, मोनार्की क्या है कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कमांडेड बाय ए किंग और ए क्वीन इज मोनार्की या मोनोपोली इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि किंग है बूढ़ा हो गया या मर गया, तो उसके बाद कौन उसका नेक्स्ट किंग बनेगा, उसका सन, फिर उसका नेक्स्ट किंग उसका सन, फिर उसका नेक्स्ट किंग उसका सन। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम ट्रेडिशनल प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस इस तरह से उसका पीढ़ी चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो ये क्या है एक मोनार्की है। लेकिन डेमोक्रेसी आप जानते हैं डिफरेंस क्या है, जिसमें किंग शासन करता है मोनार्की में, और इसमें डेमोक्रेसी में सब फ्रीडम है, फ्रीडम काम कर सकते हैं, फ्रीडम सबको बेनिफिट मिलता है। इसमें अपना इलेक्ट करते हैं लोग रिप्रेजेंटेटिव, अपना इलेक्शन करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। तो डेमोक्रेसी और ये मोनार्की है। अब इसमें जो आता है वो आता है व्हाई डेमोक्रेसी। अब आता है व्हाई डेमोक्रेसी क्या है कि इन मोनोपोली फाइनेट डिसीजन इज मेड बाय किंग, नो कैन स्टैंड एजेंट हिज डिसीजन। ओके, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड प्रोसेस फॉर जस्टिस बिकॉज सम किंग आर मेड रॉन्ग डिसीजन अगेंस्ट पीपल्स। टू चेंज दिस सिस्टम डेमोक्रेसी इज बेटर ऑप्शन कंपेयर टू मोनार्की वेयर एवरीवन लिव विथ फ्रीडम। तो ये क्या है आपका व्हाई डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो आपने व्हाई डेमोक्रेसी भी समझ लिए। अब इसमें आता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक सरकार है,
लोकतंत्र सरकार है और एक जो नॉन लोकतंत्र सरकार है वो लोकतंत्र सरकार नहीं है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही बता दिया था, जो पीपल जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, यानी ए डेमोक्रेसी, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आता है। इसमें मीनिंग जो होता है वो मैंने बता दिया, डेमोस एंड क्रेटिया, डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेटिया मीन्स द रूल या द पावर, द पीपल पावर या दी पीपल रूल। तो मैंने तो ये आपको पहले ही बता दिया था। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें हम जो हैं खुद अपना अपना क्या करते हैं, रिप्रेजेंट चुनते हैं, अपना सरकार खुद से चुनते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आता है। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है कि अब इसमें आता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट दैट डज नॉट फॉलो डेमोक्रेसी। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन मोनार्की, अलार्गी, एनार्की, फ्यूडलिज्म, डिक्रेसी और एनी अदर गवर्नमेंट। तो ये क्या है कि आपका नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के।